नमस्कार फॉक्स पंजाबी दे विच तुहाडा हार्दिक स्वागत करता हाँ। मैं हाँ तुहाडा होस्ट ते दोस्त आर के। ते दोस्तों अज गल करांगे बजट दे उत्ते। काफ़ी उम्मीदां लगाईआं जा रहीआं ने, जिस तरह कि तुसी जानदे हो कि लगातार जिहड़ी आ जी डी पी जिहड़ी आ डाउन जा रही आ, ते इहदे उत्ते जिहड़ा बजट है काफ़ी ज़्यादा निर्भर होना कि मार्केट का रुख की होवेगा। अगर गल की जाए लगातार जिहड़ी आ अर्थव्यवस्था डगमगा गई है भारत की, और ये जो अज का दिन है बजट का दिन है, और कितने ना कि आम व्यक्ति जोड़ा उम्मीदा ला के बैठा आ उत्थे, कितने ना कि कारोबारी जोड़े आ भी उम्मीदा ला के बैठे आ। असी इस समय जोड़ा आ लुधियाना के और जिते कि समॉल स्केल के नाल जुड़े हुए काफ़ी कारोबारी जोड़े इतने आए हुए हैं, उन्होंने गलबात भी करा तो जानेंगे कि बजट तो वो कि उम्मीद ला के आए हैं, तो कि उन्होंने उम्मीदा जोड़िया पूरिया की इस बजट ने। सो मेरे ना बने रहो, मैं हाँ थोड़ा दोस्त है सो दोस्तों अगर बजट की गल की जाए 2020 बजट जोड़ा आ काफ़ी चर्चा से सी, क्योंकि कितने ना कि जी इंडिया की जी डी पी जी काफ़ी डाउन सी, और उम्मीद की जा रही थी कि बजट के जोड़े आ कुछ ना कुछ जी राहत दी जाएगी समॉल स्केल इंडस्ट्री नू और बाकी उद्योगों कि देखते हो इस बजट में। डेफिनेटली जैसे अभी आप देख सकते हो कि 3.4 के आसपास जी डी पी का दिखा रहा, हो सकता है अभी तो टाइम भी कम है उससे भी नीचे जा सकता है, तो इस साल तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम उसको अचीव कर पाएंगे, बट उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से डेफिनेटली सरकार का सबसे बड़ा इस जो बजट के अंदर पेश करने का मकसद ये था कि जीडीपी को स्टेबलाइज करना है और उसको ग्रोथ की तरफ ले जाना है, और इसमें आप जान सकते हैं कि 44% जो है सिर्फ माइक्रो और स्मॉल सेक्टर ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है ओवरऑल जीडीपी के अंदर। तो कहने का मतलब जब तक उसको बढ़ावा नहीं देंगे, उनके लिए अगर कोई स्कीम्स नहीं बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो उन्हें दिक्कत कर सकता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली कल जब इन ये पूरे पेपर्स में आ जाएगा तो उसके बाद जब इसको असेस करेंगे तो 10-15 दिन और लगेगा, बट जो मेजर जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिया है डेफिनेटली एमएसएमईज के लिए ही लिया है, और वो मेरे ख्याल से आने वाले समय में जैसे ही हम असेस करते जाएंगे उसको फिल्टर करते जाएंगे कि कौन से सेक्टर्स में किस तरह से ये भारत सरकार सारी ये जो आप इनके जो ग्रोथ अपना जो जीडीपी है उसको बेटर करने की कोशिश करेगी। सर अगर बात की जाए रेलवे की बात की जाए या बात की जाए मेडिकल फैसिलिटी जो है उस पर जो है सरकार बड़ा खर्च करने जा रही है, कैसे देखते हैं उसको? डेफिनेटली अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो इन्होंने आयुष्मान वगैरह जो निकाली है लोग मेरे ख्याल से गांव-गांव में एक तो चाहे अब लोग कुछ भी कहे हैं बट मेरे ख्याल से आज से पहले तो कहीं नहीं था, तो ये सही में कहीं ना कहीं अगर आम आदमी को अगर वो हेल्प कर सकती है इस तरह की योजनाओं से तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर है तो चलनी चाहिए, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग अपना डाटा शेयर कर रहे हैं कि हमें कुछ बीमारी हुई थी उसका इलाज हमें कराया, जो मेरे ख्याल से 5 लाख के अंदर वाली जो इनकम वाले को ये जो बेनिफिट्स मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से सही में 2-3 लोगों ने हमसे शेयर किया है तो यानी उन्हें मिल रहा है। मेरे ख्याल से अब से पहले तो नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा होता है अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, मेरे ख्याल से जो मेडिकल का जो कॉस्ट है मेरे ख्याल से इतना बड़ा होता है कि बंदा उसको पूरी जनरेशन तक आम आदमी पूरा नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में भी अच्छा हो रहा है, अभी मेरे ख्याल से 500 स्टेशन को उन्होंने वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए भी कहा है, और इतने हब्स भी बनाए जाएंगे जो डाटा सेंटर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी आएगा, क्योंकि ये सारे जो डाटा सेंटर्स बनेंगे जो लोगों को कहीं ना कहीं छोटे लोगों को वाईफाई से कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री 4.0 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सभी लोगों के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ के अंदर भारत सरकार कौन सी पॉलिसी फ्रेम करेंगी जो देश के हित में होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो आज कुछ इन्होंने जो और भी हम कह सकते हैं, इतना डिटेल तो हमने उस पर अभी गए नहीं है, बट ओवरव्यू जो है कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज मार्केट चालू है और मार्केट में इतनी कोई गिरावट नहीं आई है, यानी ओवरऑल मार्केट ने भी उसको वाइडली एक्सेप्ट किया है। अदरवाइज नॉर्मली बजट के दिन मार्केट हमेशा 800-1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती है, तो आज मेरे ख्याल से वो जो मार्केट आप देख सकते हैं वो भी स्टेबलाइज है, इतना कोई भारी गिरावट नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि वाइडली एक्सेप्टेड है और फिल्टर होगा। मेरे ख्याल से सभी अकाउंटेंट्स जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फिल्टर करेंगे, दूसरे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है वो भी उसे फिल्टर करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी और क्लियरिटी आने वाले 2-3 दिन में आ ही जाएगी। अगर बात की जाए ऊर्जा की, कहा जा रहा है कि जल्द जो है सरकार जो है स्मार्ट मीटर लेके आएगी, कैसे देखते हैं कि स्मार्ट मीटर जो है क्या आपको लग रहा है कि ये कोई बड़ी बहुत बड़ी पहल है इंडिया के लिए? मेरे ख्याल से यस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि देखिए वाटर जो है एक स्केर्सिटी होने जाने रहा, आने वाले समय में बहुत से ऐसे सिटी है जहाँ पर पीने का पानी नहीं है, चाहे चेन्नई की बात कर ले, मेरे ख्याल सिटी इतनी बड़ी है बट पीने का पानी नहीं है, आप पानी देखेंगे तो मैं तो वहाँ गया था अभी पिछले महीने ही गया था, पानी लाल आता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्केर्सिटी है तो कहीं ना कहीं तो हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, यानी ये सारे रिसोर्सेज हमने ख़त्म कर लिए, अभी हम उसको बचाने की तरफ अगर आज एक स्टेप्स लगाएंगे तो आने वाले जनरेशंस को हम अच्छा सा पानी दे पाएंगे। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अगर सही से लगेगी तो कहीं ना कहीं तो काम में आएगी और लोगों को मदद भी करेगी है।
सर अगर बात की जाए खाने पीने की चीज़ें की, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो है उस पर काफ़ी जो जो है रेट रेट जो है फ्लैक्चुएशन करते हैं, उस पर क्या कहते हैं? बेसिकली इसमें आप सही कहते हैं क्योंकि इसमें ये सारी मार्केट ड्रिवन है, इसमें बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी इंडिविजुअल कमेंट्स नहीं देख सकते क्योंकि ये डिमांड आर्टिफिशियली नॉर्मली क्रिएट होती है और फिर वो सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी भारत सरकार को जो ये पॉलिसीज बनेगी वहाँ ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो 10 रुपये की मिल रही है, ऑल ऑफ ए सडन अगर 100 रुपये की हो जाती है तो आम इंसान को डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो इसका झटका लगता ही, चाहे भले मेजर पार्ट ना हो। तो मेरे ख्याल से जो PDS सिस्टम थी पहले जो, उसमें थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है ताकि जो आम आदमी है मेरे ख्याल से उनको जो खाने पीने की हम बात कर रहे हैं तो बेसिक नेसेसिटी है, अगर उसको कंट्रोल में रखेंगे तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 70% आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मिडिल इनकम ग्रुप ही है, उससे भी लो बजट वाले ही है आप देखने जाए तो उनकी GST की बात की जाए, GST में भी थोड़ा सा जो है कि कह रहे हैं कि अब जो है स्लैब चेंज होगी उस पर। बेसिकली उसमें क्या था कि MSME की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली अभी जो चल रही है वो इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट पे चल रही है, जो टर्नओवर पे प्रपोज किए है, क्योंकि वो GST जो मॉड्यूल है उसके साथ इसको क्लब करना चाहता है ताकि उसमें जो मेजर जितने भी प्लेयर्स है सारे सिस्टम्स के अंदर आ जाएंगे। गवर्नमेंट चाहती है कि जितने लोग सिस्टम्स में आएंगे कहीं ना कहीं वो सारा अकाउंटेबिलिटी है, जो पैसे वगैरह कहीं पर भी जो इनको लिक्विडिटी की शॉर्टेज होती है वो इसमें इसके जरिए शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि आज के समय में आप देखें तो डिजिटाइजेशन की वजह से हमारी जितनी भी सारी स्कीम्स अच्छे चल रही है क्योंकि हम उसके डाटा देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र के अंदर सरकार क्या काम कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये पहले नहीं था, आम जनता को पता नहीं चलता था। मेरे ख्याल से आज तो सभी मंत्रालयों के अपने डैशबोर्ड बने हुए, वो जो स्कीम चला रही है उनके आप सारे स्टेटिस्टिक देख सकते हो कितना खर्चा किया है, क्या काम किया है, और ग्राउंड रियलिटी ये है कि कहीं ना कहीं काम हो ही रहा है। सर कितने मार्क्स देंगे 10 में से कितने मार्क्स? सर ये अभी के समय में तो मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी भी बजट चल ही रहा है, बट डेफिनेटली मार्केट ने एक्सेप्ट किया है तो 5 से ऊपर तो आप कह ही सकते हैं सर। धन्यवाद।